नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों की वरीयता लगभग तय हो गई है। रणदीप सुरजेवाला पहली वरीयता के प्रत्याशी होंगे, दूसरे नंबर पर मुकुल वासनिक, तीसरे पर प्रमोद तिवारी। तीनों को जिताने के लिए कांग्रेस ने रणनीति अब बनाई है। हालांकि ये लगातार सुबुगाहट थी पहले से ही कि तीसरे नंबर पर प्रमोद तिवारी रहेंगे। थोड़ी नाराजगी भी उनकी सुनने को मिली थी, जानने को मिली थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि तीनों प्रत्याशियों की वरीयता जो है वो लगभग तय हो गई है। कल दंगल उसका आखिरी पड़ाव, कल चुनाव सुबह 9 बजे से 3 बजे तक रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस की वरीयता के हिसाब से पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मुकुल वासनिक, तीसरे पर प्रमोद तिवारी, और तीनों को जिताने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नरेश शर्मा, मेरे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, हम शाम को ही बात कर रहे थे कि इस बात की सुबुगाहट है कि प्रमोद तिवारी तीसरे नंबर पर होंगे, थोड़ी नाराजगी भी उनकी थी, लेकिन अब फिलहाल लगभग जो वरीयता क्रम है वो साफ हो गया है, और क्या कुछ जानकारी है इसे लेके? क्योंकि आज का अब जो रात है काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस खेमे के लिए भी, रणनीति बनाई जा रही है कल के मतदान के लिए, और जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार अब लगभग तय है कि कांग्रेस प्रत्याशी रूप में अपने जो अंदरूनी उनकी जो प्लानिंग है कि रणदीप सुरजेवाला को एक नंबर वरीयता पे रखना है, मुकुल वासनिक 2 नंबर होंगे और प्रमोद तिवारी 3 नंबर पे। हालांकि तीनों को ही जिताने के लिए जो जरूरी वोट है वो फिलहाल कांग्रेस के पास है जी। और जिस तरह से लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, क्योंकि बलजीत यादव जो 13वें निर्दलीय विधायक थे जिनका इंतजार था, वो कांग्रेस खेमे में नहीं थे, और आज शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर से अपने आवास आए, और आवास के बाद जब होटल लीला पहुंचे तो वहां बलजीत यादव भी जो है वो पहुंचे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हुई, और अब यह तय माना जा रहा है कि उनका जो मत है वो भी कांग्रेस के पक्ष में ही आएगा। यानी कि पूरी पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार है, क्योंकि लगभग जितने होने चाहिए उससे ज्यादा फिलहाल कांग्रेस के पास विधायक है। लेकिन ये जो आधार, अगर हम बात करें किस आधार पर इस वरीयता क्रम को रखा गया है नरेश? चलिए, शुक्रिया नरेश फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों की वरीयता जो क्रम है वो लगभग सामने आ गया है। रणदीप सुरजेवाला पहली वरीयता के प्रत्याशी होंगे, दूसरे नंबर पर मुकुल वासनिक, तीसरे पर प्रमोद तिवारी होंगे। रणदीप सुरजेवाला होंगे पहली वरीयता के प्रत्याशी, और ऐसे में ये जानकारी मिल रही है। और एक अपडेट ये भी है, जो निर्दलीय विधायक थे 13वें नंबर पर बलजीत यादव, जिन्होंने साफ कहा था कि जो 75% युवाओं को आरक्षण देने की बात कहेगा, लिखित में आश्वासन देगा, मैं उसी को अपना मत दूंगा, लेकिन फिलहाल वो भी अब कांग्रेस के साथ आ गए हैं।